Good morning, all of you, respected principals, our teachers, and all my dear friends, brothers, and sisters. Today, the assembly is held by class 10. So let's join our hands and start the prayer. Later. तो बच्चों इसी के साथ हम अपना असेंबली यहीं पे खत्म कर ओके तो बच्चों अब हमारे आदरणीय प्रिंसिपल सर दो शब्द कहेंगे आपके लिए When I was in my college, I was the most hard-working student of my class. और आज मैं जो भी हूँ सिर्फ मेहनत की वजह से अगर तुम लोग भी मेरी तरह मेहनत करोगे तो तुम्हें कामयाबी की सीढ़ी से कोई नहीं गिरा ए गिर गया उठा कोई नहीं गिरा सकता बहुत ही भले किस्म के इंसान है या अबे ओ गलत टाइटल है ये अरे हाँ सॉरी सो फोर्थ स्टैंडर्ड स्कूल की फीस भरने का दिन था अनलेस तुम्हारा बाप दुबई में तेल बेचता हो तब बात अलग है क्योंकि हमारे क्लास में एक बच्चा था जो अपने आप को बहुत हीरो समझता था जस्ट बिकॉज उसका बाप एक साल की फीस एक ही बारे में भर देता था आई डोंट नो ये भी कोई फ्लेक्स करने वाली चीज होती है क्योंकि इसी वजह से तो वो मार खाता था अमन ये क्या है टेस्ट में जीरो मिला है तुम्हें इतना हंस क्यों रहा है हाथ निकाल सर आप मुझे नहीं मार सकता क्यों नहीं मार सकता क्योंकि मैंने पूरे साल की फीस भर दी है तो तुमने पूरे साल की फीस भर दी हाँ सर पूरे साल की भर दी तो फिर मैं तुम्हें नहीं मार सकता हाँ सर आप मुझे हाथ भी नहीं लगा देख ब्रो आई गेट इट तेरा बाप अमीर है बट इसका मतलब ये नहीं कि तू एक साल की फीस एक ही बारी में भर देगा तो लोग तुझे कंधे पे उठा के क्लासरूम तक छोड़ने आएंगे पैसों से सब कुछ नहीं होता ब्रो कके तुसी तो बहुत भारी हो आराम से गिर जाऊंगा नहीं तुम्हें खाना भी नहीं खाया मैंने आज एनीवेज उस दिन स्कूल की फीस भरने की बारी थी एंड यूजुअली मेरी मम्मी हमेशा स्कूल जाके फीस भर देती थी बट उस दिन मम्मी को कुछ काम था तो उन्होंने पैसे मुझे दे दिए सेइंग कि ये पैसे अपने क्लास टीचर या प्रिंसिपल के ऑफिस में दे देना और कहना कि फीस है ठीक है एंड मी बीइंग 8 साल का गधा बच्चा जिसने अपनी जिंदगी में कभी 500 का नोट तक नहीं देखा है आपने उसे 1000 की गड्डी पकड़ा दी इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हाउ कुड यू डू दैट टू मी मॉम हाउ कुड यू अच्छा अगर उस दिन मैं फीस देने चले जाती तो आज तो ये वीडियो बना के व्यूज चाप पाता ठीक है सो नाउ आई हैव द मनी इन माय हैंड बट नो आइडिया कि फीस देना किसको है मेरे सामने पियोन खड़ा था तो सोचा उससे पूछ के मदद मांग लेता हूँ बट फॉर सम रीजन मेरे 8 साल के दिमाग ने सोचा कि ये बंदा मेरा पैसा लेके गाँव भाग जाएगा है? क्या आप मेरी फीस देने में मदद कर सकते हैं हाँ बिल्कुल तुम पैसे मुझे दे दो मैं जाके दे दूंगा ए सज्जा रज्जो बंटी बबली टिट्टू स्वीटू दारू का इंतजाम हो गया रे नाउ सिंस मम्मी ने पैसे प्रिंसिपल के ऑफिस में देने को कहा था तो मैं प्रिंसिपल के ऑफिस चला गया बट देन मेरे 8 साल के दिमाग ने सोचा मम्मी ने पैसे प्रिंसिपल के ऑफिस में देने को कहा था बट ये तो बताया ही नहीं कि देना किसको है ये पहेली मैं सुलझा क्यों नहीं पा रहा हूँ ठंडे दिमाग से सोचा जी एक मिनट मम्मी ने पैसे प्रिंसिपल के ऑफिस में देने को कहा एंड प्रिंसिपल के ऑफिस में दैट्स राइट प्रिंसिपल के ऑफिस में तो प्रिंसिपल रहता है तो मम्मी मुझे प्रिंसिपल को पैसे देने बोल रही थी बेटा तुम्हें कुछ काम था क्या हाँ नहीं तो आपसे क्या काम होगा मुझे अच्छा वैसे प्रिंसिपल सर कहाँ पे प्रिंसिपल सर तो कॉरिडोर पे वॉक करने गए हाँ? बड़े काम चोर है क्या बोला तुमने अभी क्या बोला मैंने तो कुछ नहीं बोला अच्छा ठीक है फिर सो नाउ मैं हाथ में पैसे लेके एक डिज्नी प्रिंसेस की तरह मुस्कुराते हुए कॉरिडोर में भाग रहा हूँ प्रिंसिपल की ओर एंड जब मैं प्रिंसिपल के पास पहुंच गया सर
फीस। अच्छा, रैंडमली कहीं से आता है और एक स्कूल के मोस्ट रेस्पेक्टेड मोस्ट ऑनरेबल इंसान को ऐसे खुल्लम खुल्ला पूरी क्लास के सामने पैसे दे रहा है, जस्ट लाइक किसी काम वाली बाई को कोई पगार देता हो। सर पैसे पैसे। नाउ आई रियलाइज हाउ एम्बैरेसिंग मस्ट हैव बीन फॉर हिम, सो आई गेस आई डिजर्व इट। क्या है, तमीज नहीं है? तुम्हारे माँ बाप ने यही सिखाया? हम इधर राशन का दुकान खुल के बैठा है, हाँ? जो हमको ऐसा पैसा दे रहा है? Who the hell you think you are, हाँ? Go to your class. और कल पेरेंट्स को बुला के लाना। आ भाई। कैसी लगी? आगे स्वाद।